हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 का फाइनल रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, ये आप सबने देख लिया होगा। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जो है नीट यूजी 2024 के रिज़ल्ट में आ गया है। तो एनटी का ऑफिशियल क्या रिस्पॉन्स है, क्या स्कैम आया है, क्या रिज़ल्ट दोबारा से अनाउंस होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। गाइस, रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ी मिस्टेक आई है, दोबारा से रिज़ल्ट आपका रिवाइज होने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट को ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए, तो गाइस रिज़ल्ट के अंदर ऐसा हो गया है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता है। तो एनटी को ये रिस्पॉन्स देना होगा कि इस तरीके से ये रिज़ल्ट कैसे अनाउंस हुआ। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज तक का सबसे ब्रेकिंग रिकॉर्ड तोड़ रिज़ल्ट जो है ये रहा है नीट यूजी 2024 का। आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतने सारे कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स आए हो, मतलब 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए। इसे साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट यूजी 2024 का पेपर भी लीक हुआ है और साथ में गाइस जो पेपर चेक हुआ है, पेपर चेकिंग के अंदर भी प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए गाइस, मैंने जैसे ये ओपन कर दिया लिस्ट ऑफ टॉप 100 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 कैंडिडेट्स की टॉप लिस्ट दी गई है। सबसे पहले मैं देखो टॉपर स्टूडेंट की आपको बात कर लेती हूँ, जिनका 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। तो ये यहाँ तक टोटल 67 कैंडिडेट्स हैं, ये प्रतीक नाम से यहाँ तक जो है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। तो 67 तो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पूरे 720 नंबर है। उसके बाद जो ये विशाखा, ये जो लड़की है जिसका ऑल इंडिया रैंक 68 किया है, 99.997086 इनके पास एंटाइल है, जो कि हरियाणा से है। इनके मार्क्स कितने हैं, 719 नंबर है इनके। और 719 नंबर की पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, 719 नंबर की पॉसिबिलिटी कैसे बन जाएगी। आगे दिया है 718 नंबर है, 719 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी हिसाब लगाएंगे, 718 719 नंबर की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो ये आ कैसे गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है एनटीए के थ्रू। नीट यूजी 2024 के रिज़ल्ट में गड़बड़ हुई है और रिज़ल्ट में गड़बड़ होने से ये पूरा मामला डगमगा गया है। दूसरा गाइस मेन बात, इतने सारे कैंडिडेट, 67 कैंडिडेट्स के, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कैंडिडेट्स के 720 मार्क्स आए हो, ठीक है। कौन से स्टेट का ऐसा बच्चा है जिसने टॉप ना किया हो, यहाँ पर सभी स्टेट्स इंक्लूडेड है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा के काफ़ी कैंडिडेट्स है, राजस्थान के काफ़ी कैंडिडेट्स है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, ठीक है, बिहार, ये देखेंगे आप टॉप किया है। यूपी का सिर्फ एक बच्चा आया है इसके अंदर, अदरवाइज़ आपके ये स्टूडेंट्स हैं। और नीट यूजी 2024 का जब से पेपर हुआ था, लगातार ये खबरें बनी हुई थी कि पेपर लीक हुआ। तो फाइनल ये बोला जा रहा था कि नीट यूजी का रिज़ल्ट देखने से पता चल जाएगा कि पेपर किस लेवल पर लीक हुआ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपके 650 नंबर आते हैं तो भी आपकी, मतलब आपको मुश्किल हो जाएगा ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। क्योंकि अगर आप एक बच्चे के 676 नंबर आए, 676 पर उनका 10,000 रैंक जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि इतना जो हाई स्कोर गया है वो किस बेसिस पर गया है। क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है, क्या पेपर का लेवल इतना इजी था? और पेपर का लेवल इतना इजी था तो इतने सारे कैंडिडेट्स थे जो इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनकी क्या हालत रही है, ठीक है। क्योंकि आज तक का ये सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट रहा है, ब्रेकिंग रिकॉर्ड रहा है आज तक का इंडिया का, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा स्कैम है अगर देखा जाए तो। बाकी एनटीए का क्या रिस्पांस आता है आज, एनटीए जो है इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पांस जारी करेगा। तो जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया है, रिवाइज होना चाहिए रिज़ल्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इस वीडियो यहाँ इस चैनल के थ्रू साझा करूँगी। आपकी क्या राय है, क्या पेपर लीक हुआ है, आपके कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स पर आपका कितना रैंक आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।